हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ वर्षा और मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका अर्बन बॉडी केयर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी हेल्दी खाने खा रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे आप ठंडियों में अपनी स्किन की केयर करें, अपने बॉडी की केयर करें। तो आज हम उन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो ठंडियों में आपके पास ज़रूर ज़रूर से होनी चाहिए। और जो आज का वीडियो गाइस, इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ये सारे के सारे 1000 रुपीज के अंडर हैं। यानी अगर आप 1000 रुपए आप इन ठंडियों में खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने स्किन के लिए, तो आपकी ये ठंडियाँ अच्छे से पूरी निकल जाने वाली हैं, जिसमें आपकी स्किन भी बहुत ग्लोई रहेगी, शाइनी रहेगी, हेल्दी रहेगी और साथ ही साथ में आपके स्किन की बहुत अच्छी सी केयर भी हो जाएगी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई Amazon और साथ ही साथ में इनमें मैंने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो कि हमें जरूर यूज करनी है इन ठंडियों में। तो गाइस, सबसे पहले और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ विंटर्स में वो है ये। मैं यूज करती हूँ बायोटिक का बायो वाइट एडवांस्ड फेयरनेस फेस वॉश। एंड गाइस, ये बहुत बहुत माइल्ड और बहुत अच्छा फेस वॉश है। एंड गाइस, इसका जो MRP ये 240 रुपीज का है, बट ये मुझे काफी अच्छे रेट में डिस्काउंट पे मुझे मिला हुआ है। तो आप और इसकी जो क्वांटिटी है गाइस, सो ये गाइस मुझे 200 ml मिला हुआ है। एंड ये अगर आप एक अच्छा सा और माइल्ड सा फेस वॉश खोज रहे हैं तो आप इसे जरूर यूज करें, बायोटिक का बायो फेस वॉश, बिकॉज गाइस ये बहुत माइल्ड है। हमें अपने स्किन पे बहुत ही माइल्ड जो भी फेस वॉश करना चाहिए, तो मैं आपको ये फेस वॉश जरूर सजेस्ट करूंगी। गाइस, तो हो गई फेस वॉश की। फेस वॉश को हमने अपने फेस को वॉश कर लिया है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके पास इन ठंडियों में जरूर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सा बॉडी लोशन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ निविया का बॉडी मिल्क लोशन। एंड गाइस, दिस आपको 48 आवर्स इंटेंस मॉइस्चर देता है आपके बॉडी को। कोई एक बहुत अच्छा सा और बहुत हाइड्रेटिंग सा मॉइस्चराइजर खोज रहे हैं तो आप निविया का मॉइस्चराइजर बाय करिए। ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में अगर आप इसे Amazon से परचेस करेंगे तो Amazon पे सेल चल रही है, तो अच्छा खासा आपको गाइस डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसके MRP की बात करते हैं तो इसके MRP गाइस 399 रुपीज है, जिसमें आपको ये 400 ml मिलता है। बट मैंने इसको Amazon से परचेस किया है तो मुझे ये काफी अच्छे रेट पे मिला। मुझे किस रेट पे मिला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। गाइस, जिसको ठंडियों में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा पैची होने लगती है, स्किन में डलनेस आने लगती है, उनके लिए ये वाला मॉइस्चराइजर बेस्ट है। आप इस मॉइस्चराइजर को एक बार जरूर यूज करें। ओके, बहुत सारे लोग जब ठंडी आ जाती है गाइस, तो बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूज करना बंद कर देते हैं। बट गाइस, आपको सनस्क्रीन पूरे साल के 365 दिन यूज करना है। सनस्क्रीन को यूज करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत बंद करिए, बिकॉज ये आपके फेस को गाइस अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, जिससे आपके स्किन पे कोई एलर्जी या फिर कोई भी बर्निंग होती है, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मेरा पर्सनल फेवरेट आप बात करेंगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है न्यूट्रीजीना का अल्ट्रा शी सनस्क्रीन। एंड गाइस, ये जो सनस्क्रीन है बहुत बहुत अच्छा है, इसका SPF 50+ है, ये आपको UVA और UVB रेस दोनों से प्रोटेक्ट करता है। गाइस, ये आपके फेस पे बहुत बहुत लाइट फील होता है, आपको बिल्कुल भी स्टिकी ग्रीसी बिल्कुल भी फील नहीं आएगा ठंडियों में। अगर आप घर में भी हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है, और घर में भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी हार्मफुल रेज। जैसे कि आपको पता है ठंडियों में हमें धूप में बैठना बहुत बहुत पसंद होता है, तो आप धूप में बैठने से पहले मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ में आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा और साथ ही साथ में ग्लोई भी बनाएगा, क्योंकि उसमें टैनिंग बहुत कम आती है जब अगर आप सनस्क्रीन को यूज करते हैं। तो अगर इस सनस्क्रीन की बात करते हैं तो गाइस, इसलिए मुझे मिला है 30 ml और इसका जो प्राइस है गाइस 250 रुपीज में, एंड इट इज फ्रॉम द ब्रांड न्यूट्रोजीना। और गाइस, सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने अभी तक इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है तो आप इस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है, इट इज वेरी गुड। ओके, अभी बात हो गई कि हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, अपने स्किन को सनस्क्रीन लगा लिया, देन चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे सीरम के बारे में जो आपको जरूर यूज करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 20, और आप इसे ठंडियों में यूज करें, गर्मियों में यूज करें, रेनी सीजन में यूज करें, इस सीरम को आप पूरे साल यूज कर सकते हैं। और जिस सीरम के बारे में मैं बात कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। एंड गाइस, दिस इज माय फेवरेट सीरम। अगर आप इस सीरम की बात करते हैं तो गाइस, ये सीरम बहुत बहुत मैजिकल आपके स्किन पे वर्क करता है।
एंड इसके इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो 1.5% है, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को जितना चाहिए। ये वाला जो सीरम है ये आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को प्लम बनाता है, क्योंकि इसमें है हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड आपके फेस पे 1000 टाइम्स वाटर को स्टोर करने की उसे कैपेसिटी रखता है। और जैसे कि आपको पता है आफ्टर एज ऑफ 20 हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है हमारी स्किन में, सो हमें हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए ज़रूर से। सो ये है इसकी बॉक्स जो कि बहुत ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा इसका गाइस यहाँ पे है। सो कैन यू सी, ये बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छा है एंड आई जस्ट लव इसकी कंसिस्टेंसी, मुझे बहुत पसंद है। इसका मेरा एक दूसरा पैकेट है गाइस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, सो कैन यू सी। और एक और चीज़ गाइस, इस सीरम को आपको कब यूज़ करना है, इस सीरम को आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने से पहले यूज़ करना है। यानी आप जो भी सीरम यूज़ करते हैं, चाहे आप लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम यूज़ करें या विटामिन सी यूज़ करें या कोई भी सीरम जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सबसे पहले फेस वॉश के बाद आपको सबसे पहले अपने फेस पे टोनर के बाद आपको हमेशा सीरम लगाना चाहिए, सीरम ताकि आपके स्किन पे अच्छे से अंदर जाए, डीपली अपना काम करे और आपको एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने लिप्स की तरफ। तो लिप्स के लिए इस ठंडियों में मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का टिंटेड लिप बाम। एंड गाइज ये न्यू लॉन्च है मामा अर्थ का, तो मेरा जो इसमें शेड है गाइज मैंने इसमें मंगवाया है रोज टिंट, मैंने मंगवाया हुआ है। वाला जो लिप बाम है 100% नेचुरल है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबीन फ्री, एसएलएस फ्री, पेट्रोलियम फ्री। सो ये काफी अच्छा और सुपर डुपर नेचुरल है। इसमें शिया बटर है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है एंड रोज का भी इसमें एसेंस है। सो यहाँ पे अगर इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, सिंपली आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, सॉरी हियर इज अ ब्यूटी, और यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल सा लिप बाम जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही एलिगेंट व्हाइट। और यहाँ पे जो मैंने टिंट लिया है उस कलर का यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है एंड बहुत ही सिंपल सा और प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है। एंड अगर आप इसे ओपन करते हैं लाइक दिस, इसको यूज करना गाइस बहुत बहुत ईजी है। सो मैं इसको ग्लाइड करती हूँ सिंपली और आप देख सकते हैं हल्का सा बहुत टिंट आएगा गाइस जब आप इसको अपने लिप्स पे यूज करेंगे। और अगर बात करते हैं कि ये कितना आपके लिप्स को हाइड्रेट रखता है और इतना वर्क कैसे करता है गाइस, ये आपके लिप्स को 12 आवर्स बहुत इजीली हाइड्रेट रखता है। और साथ ही साथ में इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है। एक अच्छा सा लिप बाम खोज रहे हैं जो हल्का फुल्का टिंटेड है, तो यू मस्ट गो फॉर द मामा अर्थ का ये जो लिप बाम टिंट है, ये बहुत बहुत हाइड्रेटिंग है आपके लिप्स पे। कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है आपके होठों पे जब आप इसे अप्लाई करते हैं। ये लिप बाम अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। अगर इसके बात करते हैं इसके एमआरपी की बात करते हैं गाइज, इसके एमआरपी है 299 रुपीज। अगर आप इसे अमेजोन से परचेस करेंगे, जैसे कि उस पर सेल चल रही है, तो आपको इसमें पक्का कुछ ना कुछ 10% और 20% पक्का ऑफ मिलने वाला है। एंड ये मुझे मिला हुआ गाइज 2 ग्राम इन दिस रेट एंड इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर वन सीजन। ये आपका आराम से चल जाने वाला है। ओके, नाउ मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने स्किन का कैसे केयर करना है। अपने स्किन को सबसे पहले आपने फेस वॉश किया, देन उस पर सीरम लगाया, देन उसके बाद उस पर आपने लगाया मॉइस्चराइजर, देन उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाया एंड देन अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उस पर लगाया एक लिप बाम। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हमें रोज करनी है जो हमें अपने स्किन को ठंडियों से बचाए और साथ ही साथ में उसे हेल्दी रखिए। सारी चीजों के बाद आपको एक और चीज करना है जिससे आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। अगर आपको फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है, इसकी भी आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के मार्क्स है, ये सारी चीजें एक सिंगल प्रोडक्ट ये सारी चीजें आपकी खत्म कर सकता है। तो मैं गाइस बात कर रही हूँ कुमकुम आदि तेल के बारे में एंड गाइस दिस इज अ मैजिकल प्रोडक्ट। अगर आपने इस तेल को अभी तक नहीं यूज किया है तो मैं आपको इस ऑयल को यूज करने के लिए जरूर सजेस्ट करूंगी। ऑयल को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे बॉय चाहे गर्ल, बिकॉज ये सभी के फेस पे बहुत ही अच्छे और मैजिकल तरीके से काम करता है। और ये कितने क्वांटिटी में आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है 30 ml एंड इसका आपको सिर्फ 1-2 ड्रॉप यूज करना है, वो भी रात में जब आप सोने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। देन आपको लेना है इसका 1-2 ड्रॉप ऑयल और इसको आपके अपने अच्छे से फेस पे पूरा मसाज करना है फॉर 5-10 मिनट्स। और इसे मसाज करने के बाद आपको सिंपली सो जाना है, देन नेक्स्ट मॉर्निंग उठना है एंड आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। एंड अगर आप ये रेगुलर करते हैं 7 डेज तो आपको इसका रिजल्ट आपको गाइस दिखने लगेगा बिल्कुल अपने फेस पे। आपके फेस पे अगर कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कोई भी स्पॉट है या फिर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, एजिंग का कोई भी इफेक्ट है, हाइपर पिगमेंटेशन है, उन सारी चीजों में आप अपना खुद ही देख सकते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे फेड हो जाएंगे, कम हो जाएगी।
सो गाइज ये थे मेरी आज की वीडियो स्किन केयर पे कि आप अपने ठंडियों में अपने स्किन की कैसी केयर करें। सो मैंने जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं इन सारे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आप अपने चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्दी हेल्दी खाने खाते रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।